अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी कंप्लीट दावत ब्लॉग। तो हमारे यहाँ आज हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि ये दावत ब्लॉग आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। एंड इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी एंड किस तरह से हम यहाँ पे अकेले मैनेज करते हैं ये दावत, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड चने मैंने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया था कि इसका कुछ सलाद वगैरह बना लेंगे, क्योंकि डिनर हमें हैवी करना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लंच लाइट ही रखते हैं। आज डिनर मेन्यू में है चंपारण मीट, चिकन अंगारा, लाहौरी फिश एंड पुलाव एंड रोटी। बस इतना ही कुछ था। और स्नैक्स में मैं कुछ बनाऊंगी, तो वो देखते हैं बाद में अभी कितना हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अनियंस कट कर रही हूँ सारी चीज़ों के लिए, चिकन एंड मटन ये सब के लिए। तो एक ही बार मैंने अनियंस कट करके रख लिया था। एंड यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं जो हमें मटन में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 6 से 8 मैंने ग्रीन कार्डमम लिए हैं, 4-5 ब्लैक कार्डमम है, और सिनेमन स्टिक है, जावित्री है, क्लोव है। तो इन सबको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है, जस्ट मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, उसे साइड कर लेंगे। और फिर एक और मसाला, मैंने ये मसाले जो है वो फ़िश के लिए है, तो इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून भर के जीरा एंड 1/2 टेबल स्पून हमें लेना है अजवाइन। और इन सबको रोस्ट करके रख लेंगे। और जब तक ये मसाले मेरे रोस्ट हो रहे थे, साथ ही साथ मैं अनियंस भी कट कर रही थी। तो इसी तरह से काम चलते रहता है। और अभी मॉर्निंग के आई थिंक 12 o'clock हो रहे थे, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। एंड लंच में मैंने बस वही चने बॉईल किए थे, और उस टाइम से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रही थी। एंड आज फ्राइडे भी थी, हस्बैंड की ऑफिस भी थी, एंड नमाज के लिए भी जाना था, नहीं तो वो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह में मेरी हेल्प कर देते हैं, बट आज वो भी कुछ हेल्प नहीं कर पाए, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना था। एंड घर की क्लीनिंग मैंने मॉर्निंग में उठते के साथ ही थोड़ी बहुत कर ली। तो अनियंस वगैरह कट हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा हीट कर लिया है, और उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है, एंड 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा एंड जो ड्राई रेड चिली होती है वो डालेंगे, 2 ब्लैक कार्डमम डाला है मैंने, और इसमें जाएगा जो हमने स्पाइसेस रोस्ट किए थे उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एंड 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के डाला है वो स्पाइसेस, एंड 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने अनियंस कट किए थे वो डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने मटन के पीसेस को इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड इसे फिर सॉल्ट डालना तो मैं भूल ही गई, यहाँ आपने सॉल्ट भी अभी ही डालना है। और इन सबको मिला के मिक्स करके इसे कुछ देर के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कुछ देर के लिए रहने भी दे सकते हैं, और नहीं टाइम है तो आप साथ ही साथ उसे गैस पे कुक होने के लिए भी रख दें। यहाँ पर मैं अनियंस फ्राई कर रही हूँ पुलाव वगैरह के लिए, और कुछ ऊपर से गार्निशिंग में भी जाएगा। एंड मैंने जो सेकंड स्पाइसेस लिए थे जीरा, धनिया और अजवाइन को, उसको इस तरह से हमें कूट लेना है, और पूरा पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए मैंने मिक्सर में नहीं किया, इसमें हमें कोर्सली ग्राइंड करना है जस्ट, कि इस तरह से ये थोड़े चंक्स दिखने चाहिए धनिया एंड जीरा का। साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ा क्लीन भी करते जाएंगे। एंड जब तक यहाँ पर हमारी अनियंस फ्राई होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फिश को भी हम पीसेस में कट कर लें एंड उसे भी मैरिनेट करके साइड में रख दें, कि उस टाइम जब गेस्ट आएंगे तो जस्ट मुझे इसे फ्राई करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने बोनलेस फिश ली है, बट आज मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं इतने जल्दी जल्दी में काम कर रही थी कि मुझे खुद को ही ध्यान नहीं है कि मैंने क्वांटिटी कितनी ली थी। तो जस्ट आप सिर्फ देख लें कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की है, कौन कौन से स्पाइसेस और किस तरह से मतलब रेसिपी है वो आप देख लें। एंड इंशाल्लाह इसकी रेसिपी क्वान्टिटी के साथ मैं फिर कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती और इतने सब कुछ करना होता है, तब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बट अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी होती है तो इतना सारा काम करना
कोई मुश्किल नहीं होता। एंड यहाँ पर मैंने फिश कट कर लिए छोटे छोटे पीसेज में और इसे इस तरह से टिशू से ड्राई करते जाएंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलते जाए, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लाहौरी फ़िश के लिए एक मसाला भी रेडी करेंगे जिसमें हमें चाहिए धनिया। तो यहाँ पर ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले, और इसमें डाला है मैंने गार्लिक। तो इसे आपको पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, जस्ट एक राउंड इसे मिक्सर में चलाना है कि इससे ये कोसली ग्राइंड हो जाए। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए इसमें। तो आप फिश की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने डाली है हल्दी पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, एंड ये जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। एंड जो हमने मिक्सचर धनिया एंड ये सब का जो मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और जो हमने मसाले जो रोस्ट करके उसे ग्राइंड किया हुआ था वो हम इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे। इसमें वो सारे मसाले अभी ऐड नहीं होंगे, हमें कुछ मसाले उसमें से बचा के रखने हैं, वो सेकंड मैरिनेशन में काम आएगा हमारे। और यहाँ पर मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून हमें डालना है बेसन, जिसे कि अच्छे से सारे मसालों को बाइंड कर ले। एंड यहाँ पर थोड़ा टैंगी फिश है तो थोड़ा खट्टा इसमें जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप टैमरिंड पल्प ला ले, या फिर वो नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। एंड यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, बट ये इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी ना, जब आप ये सारे मसाले ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, जो रोस्टेड मसाले की खुशबू है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी फ़िश कितनी टेस्टी बनने वाली है। एंड यहाँ पर हम अभी रेडी कर रहे हैं अपने सेकेंड मैरिनेशन। तो फ़िश को है वो उतना मैरिनेट करके आप चाहे तो जितना भी टाइम है आप पहले रख दें। तो मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी कि कुछ चीज़ें मैं करके रख दूँ कि इवनिंग में ईजी हो जाए, और जब गेस्ट आएंगे तब मैं फ्राई करूँगी। तो सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर जो हमने मसाले ग्राइंड किए थे रोस्ट करके, तो वो डाल लेना है। फिर यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, चिली फ्लेक्स लिया है, और बेसन। एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा फूड कलर। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम ये मिक्सचर भी हम पहले भी ऐड करके मिक्स करके रख सकते हैं, बट फूड कलर डालने से क्या होगा ना, आपकी जो फ़िश है वो ज़्यादा देर तक अगर आप छोड़ देंगे तो वो फ़िश को भी अंदर तक कलर कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। जो बाहर से मुझे थोड़ा कलर चाहिए था, अगर आप फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसी टाइम जो फ़िश को मैरिनेट कर रहे हैं तो उसी टाइम आप ये कसूरी मेथी भी डाल दें, एंड बेसन थोड़ा ज़्यादा करके डालें, और आप एक ही बार मैरिनेट करके फ़िश को रख सकते हैं एंड फिर उसे आप फ्राई कर लें। तो ये जो मैंने मैरिनेशन की है ये मैं बस फ्राई करने से कुछ देर पहले इसे मिक्स करूँगी, एंड देन उसे डीप फ्राई करना है। अब यहाँ पर हम चिकन मैरिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने मटन को भी चढ़ा दिया है। तो मटन जो है यहाँ पे चंपारण मटन में बेसिकली वो पकता है क्ले पॉट में, बट मेरे पास वो नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्टील के पॉट में ही बना लेती हूँ। यहाँ पर होल गार्लिक जाता है, तो मेरे पास होल गार्लिक नहीं था तो मैंने वही 6-7 लेके उसमें डाल दिया है। एंड चिकन अंगारा के लिए हमने जो अनियंस फ्राई करके रखा था, तो चिकन आपका जितना क्वांटिटी है आप उसमें जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फ्राइड अनियंस लें, एंड उसमें थोड़ा 6-7 उसमें कैशियो डाल देंगे, एंड उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। एंड जिसमें मुझे चिकन बनानी थी मैंने सोचा कि उसमें ही मैरिनेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 कप मैंने कर्ड इसमें ऐड किया है, और यहाँ पर जाएंगे हमारे कुछ बेसिक मसाले। तो धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, एंड यहाँ पर मैंने डाले चिली फ्लेक्स थोड़े से, और इसमें सॉल्ट जाएगा। एंड वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा लेमन जूस भी हमने ऐड किया था, तो वो आई थिंक वीडियो में नहीं आया। तो जिसमें हमने अपने अनियंस फ्राई किए थे तो वही ऑयल मैंने इसमें यूज़ कर लिया, और इसमें और भी स्पाइसेस जाएंगे। तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सहजीरा, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, और 3 से 4 मैंने डाला है ग्रीन कार्डमम, और 1 बे लीफ। एंड इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो है अपने वॉश किए हुए चिकन को सब डाल देंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे।
एंड यहाँ पे जब हम चिकन अंगारा बना रहे हैं तो चिकन में अंगारा भी लगाना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लेंगे कोल और उसको मैंने गैस पे जस्ट रख दिया कि वो थोड़ा बर्न हो जाए, एंड बीच में मैंने रख दिया स्टील के बोल। जब ये थोड़ा बर्न हो जाए तो इसे हम फिर निकाल के उसमें डाल देंगे और उसके ऊपर थोड़ा डालेंगे घी एंड एक सिनेमन रख दिया है मैंने, उसे कवर कर देंगे ताकि उस जितना भी चिकन है उसमें वो फ्लेवर आ जाए स्मोक का, तो वो हमारा एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़ा टेस्ट आ जाता है। पर बीच बीच में हम अपने मटन को भी चेक करते रहेंगे कि वो नीचे से लग तो नहीं रहा है, तो इसमें मैंने थोड़ा भी पानी यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट मटन का ही जो पानी रिलीज़ हो रहा है उसी में हमें कुक करना है। लास्ट में हमने कितना ग्रेवी वगैरह जो रखनी है तो फिर हम देखेंगे, फिर उसमें हम पानी ऐड करेंगे, अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। एंड यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए थे और वो भी मुझे ही ख़ुद को ही वॉश करना था, तो यहाँ पर कोई मेड वेट नहीं मिलती, सारा काम आपको ख़ुद को ही अकेले करना पड़ता है। एंड यहाँ जहाँ पे जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं तो वहाँ पर डिशवॉशर भी नहीं है, और वैसे अगर डिशवॉशर भी हो तो हमारे जो इंडियन कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो जल्दी उसमें वॉश नहीं होते, तो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद करनी ही पड़ती है। एंड वैसे तो हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, बट ये जो कुकिंग वगैरह के बर्तन हैं वो निकल ही आते, तो इतना सारा हो ही जाता है, तो स्पेस भी उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने के साथ साथ ही इसे वॉश करके भी रखती जाऊंगी तो थोड़ा स्पेस भी बनता जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी सेव बर्तन वॉश कर रही थी ताकि जब तक मटन हो जाए एंड फिर मैं उसके आगे का काम करूँगी। बीच में बस मैं यहाँ पर मटन भी चेक कर रही थी तो मैंने इस तरह से फॉइल लगा दिया था कि मुझे पानी ना डालना पड़े और वो उसी के स्टीम में ही पके। एंड यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी सा दिखने में लग रहा है और ये वाकई में टेस्टी बहुत बनी थी। तो थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से मटन को कुक होने, फिर आपकी गेस्ट भी तारीफ़ करेंगे कि कितना टेस्टी बना था। एंड यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर टेबल सेट कर रही हूँ, घर की डीप क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। एंड जब भी इस तरह का कुछ दावत वगैरह मैं करती हूँ तो मैं पहले मेन्यू डिसाइड करती हूँ, उसके बाद मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होती है जिससे कि जब मुझे जो चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ अवेलेबल हो, और नॉनवेज वगैरह जो है वो मैं एक दिन पहले ही लेकर आ जाती हूँ और रात में ही उसे क्लीन करके रख देती हूँ जिससे कि नेक्स्ट डे जो है ना वो ईजी हो जाए, वरना तो नॉनवेज क्लीन करने में ही ज़्यादा टाइम जाता है। एंड ये सब जो छोटे मोटे काम है टेबल सेट करना वगैरह वो उसी दिन मेरी कुकिंग के साथ साथ ही ये चलते जाती है। सो ये चीज़ें डन हो गई हैं और यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह सब निकाल के रख दी थी। सो चिकन भी मैंने पहले ही गैस पे रख दी थी कि जिससे कि वो धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे कुक होती रहे। ये अभी ऑलमोस्ट 50% हो गया, तो यहाँ पर मैंने बेबी चिकन लिया है तो इसे ज़्यादा देर तक भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। एंड चिकन को ढक के मैं नहीं कुक करती, नहीं तो ओवर कुक हो जाता है, तो उसे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रख दिया था। एंड यहाँ पर हमारा मटन डन हो गया। एंड जितने हमने राइस ली थी उससे डबल मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दी थी और उसमें कुछ स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। एंड उसी पॉट में हम घी लेंगे एंड उसे थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें अगर आपको ऐड करना है कैश्यू एंड किशमिश तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, हमें राइस में अच्छी लगती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने राइस को पहले सोक करने के लिए रख दिया था तो पानी हम ड्रेन करके एंड उसमें डाल देंगे। एंड 2 मिनट के लिए हमें बस इसे इस तरह से भूनना है एंड फिर जो हमने पानी बॉयल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और सॉल्ट भी मैंने उसी पानी में ऐड कर दिया था। एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डाल लें। और यहाँ पर राइस भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, जो मैंने अनियंस फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने ऊपर से इसे डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। और बस एक लास्ट काम मेरा बचा था, चटनी। थोड़ी फिश जो मैंने बनाई है उसके साथ ये ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगेगी,
तो बस मैं वही कर रही थी, और ये जस्ट सिंपल धनिया की चटनी थी और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर हमारे गेस्ट आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब फ़िश को भी फ्राई कर लेते हैं, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो जो हमने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था एंड जो हमने सेकंड मैरिनेशन बनाई थी उसको अब हम डाल देंगे। एंड एक साइड हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दी है, जब तक कि वो ऑयल गर्म होगी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें पूरे फ़िश में अच्छे से मिक्स करना है एंड फिर इसे हम डीप फ्राई करेंगे। एंड ये फ़िश जो है ना, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, और जिस तरह से मैंने बताई है आपने बिल्कुल उसी तरह से ट्राई करनी है, तब आप बोलेंगे कि कितना ही मज़ेदार मैंने रेसिपी बताया है आपको, और आपके गेस्ट भी आपकी तारीफ़ें करते नहीं रुकेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही था, हमारे गेस्ट को सबसे ज़्यादा जो है वो फ़िश फ्राई पसंद आई थी। वैसे तो और सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, चिकन भी बहुत टेस्टी बनी थी, बट फ़िश जो है ना उनको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पर अब मैं चीज़ों को कर रही थी डिश आउट, और एक साइड मैंने रोटी रख दी है गर्म होने के लिए। तो ये जो रोटी है ना वो व्हीट फ्लावर रोटी है, और वो हम बाहर से ही रेडी टू ईट वाला ही लेकर आए थे। अब इतना कुछ पॉसिबल नहीं होता कि आप इतना कुछ बना लो और फिर रोटी भी बनाओ, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं इस तरह से, बस आपको लाके उसे गर्म करना होता है। और एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें टाइम पे ख़त्म कर ली थी, और जिस तरह से मैंने सोचा था बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया है और टाइम पे बनाया है, और ये मेरे गेस्ट को भी बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ पर हमारा डिनर भी हो चुका है, गेस्ट भी जा चुके हैं, और ये सबसे बड़ा काम जो किचन को क्लीन करना है, उसके बाद जो किचन की हालत हुई है, तो अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड मिलके यहाँ पे क्लीन कर रहे थे। वो भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वो सुबह से मेरी हेल्प नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी बहुत मिलके कर लेते हैं कि जिससे कि जल्दी जल्दी काम सारे हो जाए। तो ये जो वाइट स्टोव देख रहे हैं आप, जब मैं आई थी तब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब इसे इतना क्लीन करना पड़ता है ना, तो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कि हमारा वो ब्लैक कलर का ही स्टोव सबसे बेस्ट है। एंड यहाँ पर हम दोनों ने मिलके सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था। एंड आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। एंड जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और उसे शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।